नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तुतलाहट या फिर हकलाने की समस्या का घरेलू उपाय। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही दबा दीजिएगा बेल आइकन को, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, अगर आपके घर में किसी बच्चे या फिर पास पड़ोस के बच्चे को अगर तुतलाहट और हकलाने की समस्या है, तो उसका निदान जो है इस वीडियो में आपको पूरा बताया जाएगा। अगर आप इन बताए गए उपाय को करेंगे तो आपके बच्चे की जो समस्या है तुतलाने की या फिर हकलाने की, वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस नुस्खे को करने के साथ साथ थोड़े से धैर्य की जरूरत है, क्योंकि इसे थोड़ा लंबा समय तक करना होगा। दोस्तों, चाहे आप कौन सी भी दवा इस्तेमाल करें, आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा। इसका रिजल्ट जो है आपको धीरे धीरे मिलेगा, लेकिन दोस्तों ये जरूर है कि इस नुस्खे को करने के बाद धीरे धीरे जो है तुतलाहट या फिर हकलाने की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। तो इस बताए गए नुस्खे को जरूर आजमाएं, और जिन लोगों को तुतलाहट या फिर हकलाहट की समस्या है, उन रोगियों को आप जरूर ये नुस्खा बताएं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं और बताते हैं आपको एक एक करके ऐसे तीन नुस्खे, जिससे करके आप अपने बच्चों की हकलाने और तुतलाने की समस्या को दूर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो उपाय है दोस्तों, जिस बच्चे को तुतलाने या फिर हकलाने की समस्या है, उस बच्चे को सुबह सुबह ताजा जो आंवला होता है, उस ताजे आंवले को चबाने के लिए बोले। दोस्तों, रोज सुबह अगर वो बच्चा एक ताजे आंवले को चबाए अच्छी तरह और उस क्रिया को प्रतिदिन करे, तो धीरे धीरे जो है उस बच्चे की तुतलाने और फिर हकलाने की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। दूसरा जो उपाय है दोस्तों, आपको लेनी है 7 बादाम की गिरी और साथ में लेनी है 7 काली मिर्च। इन दोनों को कुछ बूंदे पानी के रख के अच्छी तरह से पीस लें। ये हो गया आपका नुस्खा तैयार दोस्तों। और बादाम और काली मिर्च से जो चटनी बनाई है हमने, उसमें थोड़ी सी मिश्री मिला देना है, और उसी को सुबह सुबह खाली पेट उस बच्चे को चाटने के लिए बोलना है। इसे भी थोड़े लंबे समय तक करते रहने से तुतलाने और हकलाने की समस्या जो है बच्चों में वो दूर हो जाएगी। दोस्तों, तीसरा जो उपाय है, जो बच्चा स्पष्ट रूप से बोल नहीं पाता है और काफी ताकत लगाने के बाद भी बच्चा सही ढंग से, साफ ढंग से बोल नहीं पाता हो, तो उसे 2 काली मिर्च को मुंह में रखकर प्रतिदिन चबाना और चूसना चाहिए। ये प्रयोग दोस्तों दिन में उसे 2 बार करवाना है। इस नुस्खे को करने से भी बच्चों की जो हकलाहट और तुतलाहट की समस्या है वो धीरे धीरे करके दूर हो जाएगी। दोस्तों, जो मैंने आपको 3 नुस्खा बताया है, उस 3 नुस्खे में से किसी 2 को करवाए बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और धीरे धीरे बच्चों के जो हकलाने और तुतलाने की समस्या है वो दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी आज की तुतलाहट और हकलाहट को दूर करने का घरेलू उपाय। तो दोस्तों, जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।